साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान की हथकड़ी में एहतसाब अदालत पेशी का मामला, चेयरमैन नैब का इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन, एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद रफी को मुअत्तल कर दिया, एएसआई को भी मुअत्तल करने के लिए आईजी पंजाब को सिफारिश, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की पंजाब यूनिवर्सिटी के वक्त को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी, बोले मुल्क से बदउनवानी का खात्मा पूरी कौम की आवाज़ है, मेगा करप्शन केसेस को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। नैब ने साल 2017 में 6 अरब 24 करोड़ रुपए की रिकवरी की, 404 गिरफ्तारियां और 285 इंक्वायरियां मुकम्मल की। नैब लाहौर की रवां साल रिकॉर्ड कारकर्दगी, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस का दौरा, डीजी नैब की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस आकिब निसार के दौरे काम कर गए, प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए कंसल्टेंट फीस 500 रुपये मुकर्रर, वार्ड चार्जेस पे दिन 1500 रुपये होंगे, तमाम ऑपरेशन डायलिसिस और एंडोस्कोपी पर 50% तक रियायत, रूम रेंट आईसीयू सीसीयू पर भी 10% कमी, फारूक अस्पताल डॉक्टर अस्पताल हमीद लतीफ अस्पताल नेशनल अस्पताल सरजी मेड और मिड सिटी अस्पताल के सीईओज ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए, लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी टेस्ट के चार्जेस पर भी 10% रियायत। 3 माह से पैसों की अदम अदायगी, प्राइवेट पेट्रोल पंप मालिकान का डॉल्फिन फोर्स को पेट्रोल की फराहमी से इनकार, पेट्रोल की बंदिश से डॉल्फिन फोर्स की पेट्रोलिंग मुतासर होने का खदशा, पंजाब पुलिस ने अगस्त से लेकर अब तक वाजिबात अदा न किए। हमें अपनी इज्जत वापस लेने के लिए रवैया बदलना होगा, किसी को राजी करने के लिए नहीं, आवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, नए आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का पुलिस रिफॉर्म्स के लिए दरबार से खिताब, तमाम अहलकारों को हफ्तावार छुट्टी देने का ऐलान, आईजी ने इंस्पेक्टर्स के बाद एएसपीज और डीएसपीज का दरबार भी कल बुला लिया। पुलिस की वर्दी फिर तब्दील होगी, आईजी पंजाब का बड़ा फैसला, मौजूदा वर्दी आरामदेह नहीं, डिजाइन यही रहेगा, रंग बदलेंगे, वर्दी हमने पहननी है, किसी को क्या एतराज, आईजी अमजद जावेद सलीमी, वर्दी की तब्दीली के लिए कमेटी कायम, पुलिस दरबार में तमाम इंस्पेक्टर्स ने खड़े होकर नई वर्दी लाने की अपील की। पुलिस असलाहत का मीठा लेक्चर, अहलकारों को नींद आ गई, आईजी साहब फर्ज शनासी का लेक्चर देते रहे, पुलिस अफसरान नींद के मजे लेते रहे, पुलिस दरबार में इंस्पेक्टर्स की अदम दिलचस्पी, पुलिस अफसरान ख्वाबों में मस्त। वकला ऐसा काम ना करें जिससे वकला गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़े, वकला ठेकेदार नहीं होते, कानून से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, वकील की तैयारी अच्छी होगी तो फैसला भी अच्छा होगा, जस्टिस शाहिद जमील का लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार का खिताब। ड्रीम हाउसिंग स्कीम रायबन रोड को प्लानिंग परमिशन जारी करने का मामला, खिलाफ जाबिता और स्कीम पर नवाजिशात करने पर 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट उस्मान गनी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर, डायरेक्टर अहमद मुमताज बासित कमर और अमीर हसन कमेटी में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। मैं सिर्फ बेटा निसाफ जाना, बस मेरा नाम निसाफ होना चाहिए, बस और कोई मैं गल नहीं कर रहा, मेरा नाम सिर्फ निसाफ होना चाहिए। सरकारी अराजी कब्जा केस में मंशा बम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, कब्जा माफिया डॉन मंशा बम बेटे आसिम मंशा समेत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश, अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया, मुलजिम को 22 अक्टूबर तक जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक हाई कोर्ट में पेश, ख्वाजा बरादरान ने 5-5 लाख रुपए के 6 जमानती मचल के जमा करा दिए, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा बरादरान की अबूरी जमानत मंजूर की थी।
और साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की तबीयत खराब हो गई। ख्वाजा सलमान रफीक दिल के आरजे के बायस BIIC में दाखिल। डॉक्टर्स के मुताबिक सलमान रफीक की हालत खतरे से बाहर है और ख्वाजा सलमान रफीक को 2 रोज़ जेर इलाज रखने का इम्कान है।